बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज हम आपको फैसलाबाद चिन्योट कैंपस फास्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से विज़िट करवाएंगे, यूनिवर्सिटी दिखाएंगे और बिलखसूस इस कैंप में जो बच्चे हमारे कंटीन के ऊपर खाना खाते हैं किस तरह उनका बिहेव है कंटीन इंतज़ामिया के साथ, और जो बच्चों की तरबियत है वो किस हवाले से, मतलब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैंटीन वालों का क्या ख्याल है हमारे इन पढ़े लिखे बच्चों के हवाले से। तो वीडियो देखें जनाब, पूरी वीडियो देखें और कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जैसा कि आपको पता है कि फास्ट यूनिवर्सिटी सरगोधा रोड के ऊपर ये वाक़ है, हम इधर मौजूद थे, मेडल के हवाले से ये तकरीब हुई है और कल मेन प्रोग्राम है वहाँ तकरीब तकसीमें इनामत और कन्वोकेशन हो रहा है, पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं, ये हमारे भाई हैं कंटीन के हवाले से, इधर ये बनी हुई है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल के करीब। हम इनसे पूछते हैं कि ज़ाहिर है बच्चे इनके पास आते हैं और पहले तो हम इनका नाम पूछते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मोहम्मद सलीम सर, सलीम एंड को के नाम से मैं काम करता हूँ सर। ठीक है। 2012-13 का मैं इधर ही हूँ सर। सही। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह, स्टूडेंट से हमारा बहुत प्यार है। सही। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। 2012 से तकरीबन 9 साल हो गए हमें यहाँ यूनिवर्सिटी में काम करते हुए। अब माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारा बहुत प्यार है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ। टोटल तकरीबन जितने भी स्टूडेंट यहाँ से होके गए हैं उनको हमने वेलकम किया है। इंशाल्लाह आज आ रहे हैं, कुछ कल आ रहे हैं, डिग्री होगी इनकी। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी है। सलीम साहब, ये बताएं कि ये आपके पास बच्चे आते हैं, बिहेवियर के हवाले से हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो क्या उनकी सूरत हाल है, अच्छा बिहेव है या आपको महसूस करते हैं कि इनको मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है? नहीं नहीं, माशाल्लाह हमारे फास्ट यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत अच्छी फैमिली के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे हैंडल करते हैं, बहुत अच्छा हमारा प्यार है इनके साथ। कभी किसी के बच्चे के साथ हमारी कोई भी मसला नहीं बना, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में बच्चे। अच्छा, इधर कंटीन के ऊपर बच्चियां बच्चे खाना यानी दोनों के लिए सहूलत है या सिर्फ लड़कों के लिए? नहीं नहीं, ये दोनों मिक्स हैं, लड़कियों के भी लिए सहूलत है, लड़कों में भी सहूलत है। अच्छा। कोई भी मसला नहीं, यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, बहते हैं और खाते पीते हैं। अच्छा सलीम साहब, आप ये बताएं, जैसा कि शाकिर साहब ने बताया कि ये जो यूनिवर्सिटियों में अमूमन हम सुनते हैं, क्योंकि हम क्राइम स्टोरी भी करते हैं, कि यूनिवर्सिटियों में नशा और दीगर गलत एक्टिविटी में बच्चे बच्चियां पढ़ जाते हैं और फिर उसमें वालदैन के जो मकासद होते हैं एजुकेशन के उसकी बजाय बल्कि नुकसानात होते हैं और बच्चे अपनी जो मंजिलें होती हैं उस पर पहुँच भी नहीं पाते। इस यूनिवर्सिटी में क्या मियार आप महसूस करते हैं वो बताएं ज़रा। नहीं, कोई हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नशा वगैरह करता हो, बहुत अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, कोई किसी किस्म की सिगरेट तक कोई नहीं पीता यहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट अब बहुत अच्छे हैं क्योंकि अच्छी फैमिली के आ रहे हैं यहाँ पर, जितने भी तकरीबन आए बच्चे कोई किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता, कोई किसी किस्म की सिगरेट नहीं पीता। मैं 8-9 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कोई ऐसे मैनेजमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है, हर किस्म की कोई भी मसला मिसाल हो तो मैनेजमेंट खुद इसको हैंडल करती है, कभी कोई मसला नहीं बना। मुझे 8-9 साल हो गए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों के साथ, कोई नशा अवर नहीं है। मैनेजमेंट यहाँ की बहुत ही अच्छी है, हमारे डॉक्टर शिजाज साहब हैं, हमारे नीब शाकर साहब हैं, वसीम साहब हैं, आसफ साहब हैं, तकरीबन जितनी भी हमारी फैकल्टी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बेहेव की बड़ी अच्छी है, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से तरबियत देते हैं, कोई भी मसला नहीं होता हमारा यूनिवर्सिटी में। जी, हमारे साथ हनीफ शाकर साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं क्योंकि ये बच्चों की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स के हवाले से माशाल्लाह ये सारा इस यूनिवर्सिटी को हैंडल करते हैं, तमाम बच्चों के जितने भी मैचेस होते हैं अपना गेम्स होती हैं उस हवाले से। जी, आप शाकिर साहब बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं बच्चों का जो फ्यूचर है उसके लिए जो खेल है कितना ज़रूरी है? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। सही। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स की सारी सहूलियत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हम बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके भी कंपटीशन के लिए जाते हैं। कंपटीशन जो स्पोर्ट्स है वो बच्चों को रीबिल्ड करने का एक ज़रिया है। जो बच्चे खेल के मैदान में आते हैं वो बाकियों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। हमारे पास फुटबॉल है, फुटसाल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इसके अलावा इंडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के हवाले से लूडो, कैरम, चेस, इवन के ऑल फैसिलिटीज़ हैं। अभी अभी मैनेजमेंट ने हमें एक नया फिटनेस सेंटर बना के दिया है जिसमें बॉडी बिल्डिंग के हवाले से कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जो बच्चे शौक से फिटनेस सेंटर यूज़ करना चाहें उनके लिए वो सहूलत भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ज़बरदस्त।
जी हमारे साथ सलीम साहब मौजूद थे, शाकर साहब मौजूद थे। इस यूनिवर्सिटी में आज हम पहली बार आए हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने नोट की हैं, देखी हैं कि एक तो शाकर साहब ने बताया हमें कि इस यूनिवर्सिटी को बोर्ड ऑफ गवर्नर चला रहा है और मेरिट के ऊपर हर चीज़ हो रही है, बच्चों की फ़ीस, बच्चों की गेम्स, बच्चों के जितने भी मामलात हैं वो मेरिट के ऊपर हो रहे हैं। और पाकिस्तान में आईटी के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से इसका पहला नंबर है जी, माशाल्लाह पहला नंबर है। और ये पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है जो कि हम अपने बच्चों को इस जगह पर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। ये एक इंतहाई हमें यहाँ से मालूमात, अच्छी मालूमात मिली हैं, मोटिवेशनल मालूमात मिली हैं कि पाकिस्तान में हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के अदारे भी मौजूद हैं इस दौर में, क्योंकि बच्चों के हवाले से बहुत सारे नेगेटिव मामलात जो हैं वो माँ बाप को फेस करना पड़ते हैं। तो इजाज़त दें नाज़रीन, आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।